आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्वेश्चन है, सोहन कनेक्ट है ना थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स जिसको अपन कहते हैं एक्स वाई जेड, वो फिगर में वो शो होना है ना। हमको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, 1, 2, 3 एंड 4 है ना। तो देखो कैसे करने वाले हैं अपन इसको। सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन एक बार समझते हैं अपन, कि जो एक्स एंड वाई बल्ब है वो तो सीरीज में है ना। तो अगर सीरीज में एक भी फ्यूज हो जाता है, अगर एक्स फ्यूज हो गया तो वाई नहीं चल पाएगा, अगर वाई फ्यूज हो गया तो एक्स नहीं चल पाएगा, दोनों में से कोई एक भी। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कि इफ बल्ब एक्स इज फ्यूज्ड है ना, एक्स अगर फ्यूज हो जाता है तो वाई जेड विल बी ग्लो। तो अगर एक्स फ्यूज हो गया तो वाई तो चल ही नहीं पाएगा, तो ऑप्शन वन तो गलत है ना। इफ बल्ब वाई इज फ्यूज देन एक्स विल ग्लो, अगर ये वाला फ्यूज हो गया तो ये भी नहीं चल पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑल द बल्ब्स विल ग्लो विद इक्वल ब्राइटनेस है ना। यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये जो करंट है ये कुछ अलग होगा आई वन, और ये जो करंट है वो आई टू होगा, क्योंकि यहाँ पे दो का रेजिस्टेंस आएगा है ना। तो करंट अलग होगा तो ग्लो अलग होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक्स अगर अपना थर्ड ऑप्शन है कि जेड फ्यूज्ड, अगर जेड फ्यूज हो जाता है, अगर जेड फ्यूज्ड हो जाता है तो एक्स एंड वाई विल ग्लो। तो एक्स और वाई पे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि देखो ये सर्किट है ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तो करंट हमारा ऐसा जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इनको ग्लो करेगा और फिर इधर से वापस आ जाएगा, ये अपने लिए हट ही जाएगा। जैसे कि अगर मैं हटाऊं तो इसको ऐसे हटा सकता हूं मैं इसको, तो ये वाला मेरे लिए हट ही जाएगा है ना। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? मेरा सही ऑप्शन हुआ इसमें ऑप्शन 3। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।